हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2024 के बारे में। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बेस्ट बुक फॉर सीयूईटी। जैसे कि आप सभी के कमेंट होते हैं, प्रश्न होते हैं कि भैया तैयारी कौन सी बुक से करें, क्या थ्योरी पढ़नी होगी, थ्योरी पढ़ना आवश्यक है क्या, एमसीक्यू तैयारी कहाँ से करें, आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें और कितनी बुक्स लेनी होगी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। जैसे कि आप सबका पहला जो प्रश्न होता है, जो भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देने वाले हैं, थ्योरी कहाँ से पढ़ें, सबसे पहला यही आपका प्रश्न होता है। तो हम बात करें थ्योरी कहाँ से पढ़ना है, तो हम बेस्ट बुक की बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एनसीईआरटी और जो एनटीए जो सीयूईटी कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने पहले ही अनाउंस्ड करके रखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर आप साइंस ग्रुप के छात्र हैं तो ये पुस्तक पढ़ें। आपने जैसे कि क्लास ट्वेल्थ में पढ़ी हैं तो केवल रिवीजन करने की आवश्यकता है। जो समरी होती है केवल आप वो भी आप रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आर्ट्स ग्रुप वाले भी एनसीईआरटी ही पढ़ना है। सबके लिए क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी बुक होंगी पुरानी, तो वही आपको रिवाइज करना है। जैसे आप सब ने ट्वेल्थ बोर्ड होता है तो अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो रिवीजन की ज़रूरत होती है और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि थ्योरी कहाँ से पढ़ें। थ्योरी तो आपको केवल एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छी थ्योरी आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। जो बुक्स आती हैं सीयूईटी के लिए, उसमें शॉर्ट थ्योरी दी जाती है, थोड़ा इधर से डाल दिया, थोड़ा किसी चैप्टर से, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आपको इनकम्प्लीट थ्योरी वहाँ पे दी जाती। कम्प्लीट थ्योरी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ें। और हम देखने वाले हैं जैसे कि आपका दूसरा जो प्रश्न होता है, थ्योरी पढ़ना आवश्यक है कि नहीं, महत्वपूर्ण वैकल्पिक एमसीक्यू प्रश्नों की तैयारी कहाँ से करें। तो थ्योरी पढ़ना आवश्यक है कि नहीं, तो हम बात करें तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। लेकिन अगर आपने क्लास ट्वेल्थ, जैसे कि आपके मार्च के लास्ट तक ही आपके क्लास ट्वेल्थ के पेपर ख़त्म होंगे, तो आपने थ्योरी एक साल पढ़ी हुई है, एक तो क्लास ट्वेल्थ बोर्ड होता है तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जिन छात्रों ने अच्छे से थ्योरी पढ़ा हुआ है तो उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन की बुक से भी तैयारी करते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि थ्योरी जो होती है, एमसीक्यू पढ़ेंगे आप तो वही थ्योरी है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, फिर वहाँ पे उत्तर दिया जाता है, तो ऐसे ही आपको थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें प्रश्न उत्तर दोनों ही मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई अंतर नहीं। अगर आप एमसीक्यू बुक से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपने क्लास ट्वेल्थ में तो थ्योरी पढ़ा ही हुआ है। तो आपको जैसे कि मार्च में आपके पेपर ख़त्म होंगे, अप्रैल आपको केवल अप्रैल बस तैयारी के लिए मिलेगा, और मई में आपके फिर से सीयूईटी के पेपर होंगे, 15 मई से पेपर होते हैं सीयूईटी के, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। थ्योरी के लिए आपको टाइम ही नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ पाएँ। जो छात्रों के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि मोटी बुक चाहिए, थ्योरी वाली बुक चाहिए, तो भाई थ्योरी के लिए आपके लिए समय चाहिए। सीयूईटी का पेपर 15 मई को है, आपके पेपर जो है मार्च के लास्ट तक आपके क्लास ट्वेल्थ के पेपर चलेंगे, तो आपने क्लास ट्वेल्थ में तो थ्योरी पढ़ी ही है और यहाँ पे टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो आपको आईएमपी क्वेश्चन देखना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे सीयूईटी में। सीयूईटी की आप एमसीक्यू क्वेश्चन की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, पास्ट पेपर मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप सभी के हमने कमेंट देखे और जो आपके डाउट होते हैं वो हमने देखे। क्लास ट्वेल्थ बेस्ड एग्ज़ाम है सीयूईटी, और सीयूईटी ने पहले ही अनाउंस करके रखा है कि एनसीईआरटी से ही सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, हालांकि थोड़ा जो लेवल है वो हाई कर दिया गया है एग्ज़ाम का, क्लास ट्वेल्थ का जो है वही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा टफ लेवल का पेपर यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपकी अच्छी तैयारी होगी तभी आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि कोचिंग की यहाँ आवश्यकता नहीं है, केवल आप बुक से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें।
एनसीईआरटी बुक पढ़ें और हम इसमें बेस्ट बुक भी देखने वाले हैं जो छात्र सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक बेस्ट बुक हम देखेंगे जिसमें सभी कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि उसमें आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे, पुराने पेपर 2022-23 के पेपर मिल जाएंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के। जैसे कि अगर आपने आर्ट्स ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस बुक में आपको जैसे BLLB के लिए क्या है तो लीगल स्टडी, जनरल टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल मिले, ऐसी बुक हम देखने वाले हैं। तो हम बुक देख रहे हैं, तो बेस्ट बुक है आपके लिए सक्सेस मंत्र CUET 2024 बुक, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, आप कम समय में तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही पुस्तक क्यों आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इसकी विशेषताएं हम देखने वाले हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं इस पुस्तक की, इसलिए यह पुस्तक आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए साबित होगी CUET 2024 के लिए। आप आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, सभी कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं विशेषताएँ की, विशेषताएँ की बात करें हम तो इसमें आपको केवल एक ही पुस्तक लेने की आवश्यकता है, 2-3-4 पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, एक ही पुस्तक से आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो NCERT से पढ़िए और MCQ की तैयारी आप IMP जो क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, पास्ट पेपर इस बुक से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम इस बुक की विशेषताएँ देख लेते हैं। तो पुस्तक की विशेषताएं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, यहाँ पे आपको ये पुस्तक है जो न्यू सिलेबस पे आधारित है CUET 2024। इस बुक की हम बात करें तो ऑल इन वन बुक है, आपको एक ही पुस्तक में सभी स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, दूसरी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको लैंग्वेज जो कि सेक्शन फर्स्ट आपका लैंग्वेज होता है हिंदी इंग्लिश, इसमें आपको मिल जाएगी, तो जो भी आप चॉइस करते हैं वो पढ़ सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जनरल टेस्ट यहाँ पे सेक्शन सेकंड मिल जाएगा जो कि डोमेन सब्जेक्ट है, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा, तो सब कुछ आपको एक ही पुस्तक में मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड जो है बायलिंगुअल बुक, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भाषा में एक ही पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इस बुक का जो है हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, बायलिंगुअल बुक है। और बात करें फोर्थ नंबर तो विथ प्रैक्टिस पेपर, इसमें आपको अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर, और इसमें आपको मिलेंगे विथ पास्ट पेपर, तो आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे 2022-23 के, आपको CUET के पेपर मिल जाएंगे, आप देख पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी जानकारी आपको देख के मिल जाएगी। यहाँ पे आपको विथ 2200 MCQ फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे बहुत सारे आपको बहुत ज़्यादा MCQ मिल रहे हैं जिससे आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि पेपर में जो है प्रैक्टिस पूछे जाएँ, जो आपको MCQ पूछे जाएंगे तो MCQ की प्रैक्टिस होना चाहिए, कैसे ऑप्शन पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा हमें टिक करना चाहिए, सभी जानकारी आपको MCQ अगर आप जितने ज़्यादा आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए ये बुक प्रेफर की। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेशनरी पे भी अवेलेबल है, स्टेशनरी से ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको अच्छी लगती है तो आप पढ़ सकते हैं। और CUET की अगर आप जनरल टेस्ट के लिए एक केवल सेपरेट बुक लेना चाहते हैं तो आप सक्सेस मंत्र का एक सेपरेट बुक भी आता है जनरल टेस्ट के लिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये सेपरेट बुक है केवल, इसमें जनरल टेस्ट के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है केवल जनरल टेस्ट वहाँ पे चॉइस करना होता है, तो जनरल टेस्ट की बुक आप ले सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी प्लस MCQ सभी कुछ आपको एक ही पुस्तक में मिलने वाला है, थ्योरी मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस पेपर, पास्ट पेपर, इसमें रीजनिंग, ये सब आपको पूरा कंप्लीट, आपको जनरल टेस्ट का जो भी सिलेबस है कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा, तो आपको दूसरी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी बायलिंगुअल बुक है, हिंदी और इंग्लिश छात्र जो हैं वो सभी पढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर, बायलिंगुअल बुक है,
सभी विशेषताएं आपको वैसे ही जो पहली बुक देखी वही सब इसमें आपको मिलने वाला है। साइंस ग्रुप के लिए सेपरेट बुक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये छात्र जो साइंस ग्रुप के हैं ये पुस्तक ले सकते हैं, जैसे कि बीएससी, बीएससी बीएड, बी फार्मा, बीसीए, इन सभी ग्रुप के छात्र ये पुस्तक ले सकते हैं और केवल एक ही पुस्तक से तैयारी कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज़ की। अगर आप जैसे कि सभी छात्र 2 से 3 कोर्सेज़ में अप्लाई करते हैं तो एक ही पुस्तक से तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से ये पुस्तक डिजाइन की गई है कि जो छात्र हैं सब पढ़ सकें। ज़्यादा महंगी पुस्तक नहीं, आप आसानी से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और बुक रिव्यू भी देख सकते हैं। सेपरेट मैंने बनाया हुआ है तो बुक रिव्यू भी देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी और टॉपिक या बुक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।